करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वसुंधरा राजे की बात करेंगे, राजस्थान की पहली महिला चीफ मिनिस्टर। वैसे तो अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अच्छा लगता है जब कोई भी महिला जो है वो पॉलिटिक्स में आती है, देश के लिए बहुत अच्छा है। तो राजस्थान पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, वसुंधरा राजे की बात करेंगे। इससे पहले हमने अशोक गहलोत की बात की थी, तो राजस्थान को मैं पूरा आपको समझा ही देता हूं कि वहां के डायनेमिक्स 20 साल से किस तरीके से हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और प्रिंटर कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वसुंधरा राजे का जन्म दोस्तों 8 मार्च 1953 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध परिवार से आती है, रजवाड़ों के खानदान से आती है। बिल्कुल, इनके जो पिताजी थे जीवाजीराव सिंधिया, वो सिंधिया जो डायनेस्टी है उसके आखिरी महाराज थे। तो महाराजाओं के राजा महाराजाओं के खानदान से आती है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वसुंधरा राजे। इनकी जो माताजी थी विजय राजे सिंधिया की बात करें दोस्तों, तो उनको राजमाता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब राजमाता के नाम से इनको जाना जाता था, ये भी पॉलिटिक्स में बहुत टाइम तक एक्टिव थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में इन्होंने कमाल किया है, ठीक है। गुना से एमपी रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं विजय राजे सिंधिया की, तो ये भी बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो भैया पिताजी इतने महान, माताजी भी इतनी बड़ी, तो बेटी ऐसी ही होगी, बेटी भी काफी टैलेंटेड। तो वसुंधरा राजे का जन्म इन सर्कमस्टेंसेस में हुआ था। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो तमिलनाडु कोड़ाईकनाल जो खूबसूरत हिल स्टेशन है दोस्तों तमिलनाडु का, वहां पे पूरी की। और उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मुंबई यूनिवर्सिटी से, मतलब सोफिया कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं वसुंधरा राजे के भाई बहनों की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि माधव राव सिंधिया भी इनके भाई हैं, लेट माधव राव सिंधिया, जिनके बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में है और जिन्होंने एमपी पॉलिटिक्स में बहुत ही बढ़िया काम किया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे जितने इनके भाई बहन है वो भी पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है और काफी बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है ना, जितने भी। तो ये चीज है, इनका जो बेटा है दुष्यंत सिंह वो भी लोकसभा से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, और इन्हीं की ही कॉन्स्टिट्युएंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था झलावर, ठीक है। और इनकी जो मैरिज है 20 साल की उम्र में ही दोस्तों इनकी शादी हो गई थी हेमंत सिंह से, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि हेमंत सिंह से शादी इनकी एक साल भी नहीं चली थी, पारिवारिक विवाद था दोस्तों, प्रॉपर्टी विवाद था दोस्तों। हेमंत सिंह धौलपुर के राजा थे, वसुंधरा राजे जो हैं वो सिंधिया फैमिली से बिलोंग करती थी। तो सिंधिया वर्सेस धौलपुर ये जो दुश्मनी है ये काफी टाइम तक चली आ रही थी। हेमंत सिंह की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, लेकिन उनको वसुंधरा राजे इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि नहीं शादी तो मैं इन्हीं से करूंगा, लेकिन वो एक साल भी नहीं चली, ठीक है। एक साल के ही अंदर दोनों अलग हो गए, और उसके बाद प्रॉपर्टी विवाद ये कोर्ट में भी गया पूरा प्रॉपर्टी विवाद, कि जो धौलपुर का बहुत ही बड़ा नायाब जो महल है वो किसको मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर्टी विवाद चला और अल्टीमेटली वसुंधरा राजे के ही पक्ष में फैसला आया, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, 20 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही जल्द दोनों अलग हो गए। अभी तक तो पॉलिटिक्स में नहीं आया, हालांकि पॉलिटिक्स तो इनको बचपन से ही मिली थी, ठीक है ना। इनकी माताजी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, माताजी के साथ ये टूर करती थी। तो जब ये माताजी के साथ टूर करती थी तो देखती थी आसपास कि क्या कंडीशन है और कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा था कि मुझे भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अपनी माताजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। बहुत ही कम उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था, जीवाजीराव सिंधिया का बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था, बहुत छोटी थी वसुंधरा राजे उस समय, ठीक है। तो जो भी पालन पोषण का जिम्मा था वो माताजी का था, ठीक है। और माताजी पॉलिटिक्स में काफी बिजी रहती थी, तो वसुंधरा राजे को जब साथ ले जाती थी तो सारी चीजें देखती थी कि जो भी उनकी माताजी कर रही है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थी राजमाता, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है। तो ये चीज है, 1980 के दशक में वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। 1984 में भीड़ से चुनाव तो लड़ा लेकिन हार गई, ज्यादा जीत नहीं पाई वो, ठीक है ना। अब वैसे तो फेमस थी कि राजमाता की बेटी, पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा वसुंधरा राजे ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, वो खाली वक्त में बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का जिसको शौक हो गया दोस्तों उसकी तो जिंदगी सवर गई, ठीक है ना। आमतौर पर ऐसे शौक बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं। 1985 में धौलपुर से ये चुनाव लड़ा इन्होंने, वो जीत गई है, ठीक है। और तब से ये लगातार जो है वो चुनाव जीतती आ रही है,
लेकिन दोस्तों 1985 में राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बदल रही थी। अभी तक वसुंधरा राजे पॉलिटिक्स में ही है, बहुत बड़ा पद नहीं मिला, ये मिलेगा 1998 के बाद। 1998 के बाद वसुंधरा राजे की किस्मत एकदम चमक जाएगी। भैरव सिंह शेखावत का बहुत बड़ा हाथ था इनके ऊपर, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत बड़े कद्दावर नेता, ठीक है, एक समय पे बीजेपी और संघ पे बहुत ही तगड़ी पकड़ थी। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, फिर 1990 के दशक में भी भैरव सिंह शेखावत जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो काफी कद्दावर नेता थे, ठीक है। तो अभी तक तो राजस्थान पॉलिटिक्स में वसुंधरा राजे की इतनी ज्यादा एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वहां पे कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत होते जा रही है। अशोक गहलोत उभर रहे हैं, बहुत ही तगड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनको टक्कर देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, ठीक है। और अब जो है बीजेपी के ओल्ड गार्ड वो थोड़ा बहुत किनारे होने लगे थे, अब वहां पे भी युवाओं की बारी थी। समय बदल गया दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। 1998 का दौर, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई और 1998 में अटल बिहारी की कैबिनेट में ये मिनिस्टर हो गई, मिनिस्ट्री मिली इनको, ठीक है ना। लेकिन असली सफर तो अभी इनका बाकी था। बिल्कुल यहां पे भैरव सिंह शेखावत उस समय 1998 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि राजस्थान में चुनाव हुए, अशोक गहलोत जीत गए, ठीक है। अब 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन इस समय वाजपेयी की सरकार थी। भैरव सिंह शेखावत ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया अटल बिहारी वाजपेयी को। भैरव सिंह शेखावत ने यह बोला कि हमको राजस्थान में वसुंधरा राजे को खड़ा करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला क्यों। अब याद रखिएगा कि इस सीट पे, ठीक है ना, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा थे, और वसुंधरा राजे के सामने बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़े थे, लेकिन एक एक करके उन्होंने सारे प्रतिद्वंदियों को चित्त कर दिया। इनफैक्ट राजनाथ सिंह से भी इनकी पहले बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की, तो भैरव सिंह शेखावत ने बोला सबसे पहले तो इस सिंधिया परिवार से आती है, एक राजपूत है, तो राजपूत का वोट इनको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा होती है अगर हम बात करें, ठीक है। हालांकि अब तो काफी कुछ बदल गया है, लोग विकास पे वोट देते हैं, डेवलपमेंट पे वोट देते हैं, लेकिन पहले बिहार में तो कहावत थी, यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, इतनी ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आज भी होता है, जाते हैं गांव में, पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, और जो चाहिए होता है वो खाली इलेक्शन के टाइम पे, और उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो वसुंधरा राजे की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत ने यह बोला कि सबसे पहले तो सिंधिया फैमिली की है, तो सिंधिया मतलब राजपूतों का वोट बैंक जो है वो हमारे पास आएगा। दूसरी चीज, इनकी शादी जो है वो जाट राजघराने में हुई थी, तो जाटों का भी वोट। अब जाट आरक्षण दोस्तों उस समय बहुत ही तूल पकड़ रहा था, और उस समय जाट ये मांग कर रहे थे कि हमको आरक्षण चाहिए ही चाहिए, हम इससे नीचे तो नहीं मानेंगे, तो उनका भी वोट बैंक, उनका वोट एक पार्टी की तरफ करना बहुत मुश्किल था, ठीक है, तो उनका भी वोट बैंक हमारी तरफ जाएगा। साथ ही साथ जो इनके बेटे हैं, ठीक है, उनकी भी शादी एक गुर्जर राजघराने में हुई है, ठीक है ना, जो उनकी बीवी है वो गुर्जर समाज से आती है, तो उनका भी वोट हमको जाएगा, तो एक तीन तरफा वोट हमको मिलेगा, वसुंधरा राजे को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। 2003 में यही किया। 2003 में जब राजस्थान के चुनाव होने थे दोस्तों, तो बीजेपी ने इतनी जबरदस्त तरीके से एडवर्टीजमेंट की दोस्तों, इतनी जबरदस्त तरीके से वसुंधरा राजे और अपनी पार्टी को प्रमोट किया कि कहने को नहीं, वो हार नहीं था, ये तक नारे चलवा दिए थे अलविदा गहलोत। तो 1998 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत थे, ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अब उस समय तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नहीं था, प्लेन से पैम्फलेट गिराए जाते थे, न्यूज़पेपर्स में ऐड दिए जाते थे, केबल टीवी, हर टीवी में जहां देखो वहां पे बीजेपी का पोस्टर आता था, वसुंधरा राजे जो है वो खड़ी दिखाई देती थी हाथ जोड़े हुए। तो यहां पे पूरा एक परिवर्तन लाया जाएगा, बीजेपी की सरकार बनाओ, तो इतनी जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन की गई कि वसुंधरा राजे को जीत मिलनी ही मिलनी थी। और 2003 में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार चली गई और 2003 में वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान आपको बता दो कि वहां पे वैसे पेट्रियार्की को बहुत ऊपर रखा जाता है, राजस्थान में आप गांव में चले जाइए तो वहां पे जो जो मतलब जो एक तरीके से जो मेल होते हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो औरतों को ही दूर जाके पानी, जो गांव है वहां पे, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो उन्हीं को पानी भर के लेके आना पड़ता है और सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। वहां पे वसुंधरा राजे का चीफ मिनिस्टर बनना ये कमाल की बात थी, खुद में ही बहुत बड़ी बात थी। तो राजस्थान ने वसुंधरा राजे को चुना, 2003 से लेकर 2008 तक 5 साल तक इन्होंने सकुशल सरकार चला।
उसके बाद दोस्तों ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। 1960 और 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उनकी माता जी को गिरफ्तार भी किया गया था और ये सारी चीजें वसुंधरा राजे ने देखी। फिर 1984 में इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। 1985 में युवा मोर्चा राजस्थान की इनको कार्यभार दिया गया, ठीक है, राजस्थान बीजेपी का इनको पूरा कार्यभार दिया गया। फिर युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 1998 में जब बीजेपी की सरकार आई तब इनको मिनिस्ट्री पॉइंट, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको पोर्टफोलियो दिया गया और काफी जगह पूरी दुनिया घूमी है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया घूमी वहां पे, फिर अपने देश का परचम लहराया इन्होंने। फिर उसके बाद इनको बहुत सारे पोर्टफोलियो जो है वो मिलते रहे वाजपेयी की सरकार में। लेकिन 5 साल बाद 2003 में इनको जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब कमाल हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ अब दोस्तों 2008 में चुनाव आ गया, ठीक। तो ये 5 साल जो है राजस्थान इतना ज्यादा खुश नहीं था और हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की 2008 में फिर से सरकार आ गई। तो 1998 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत, फिर 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे और उसके बाद फिर से अशोक गहलोत आ गए। कांग्रेस पार्टी को 200 में से 96 सीटें मिली, राजस्थान असेंबली में 200 सीटें हैं, और बीजेपी को 78 सीटें मिल पाई। तो कांग्रेस ने खाली 5 सीटें कम थी तो कोलिशन सरकार बना ली, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि वसुंधरा राजे का इस्तीफा लाओ, क्योंकि लीडर कौन थी, वसुंधरा राजे, हार गई है 5 साल में, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ रही होगी, तो इस्तीफा लाओ। बहुत सारे बीजेपी के अंदर के ही जो नेता थे वो बोलने लगे वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगो। इनमें घनश्याम तिवारी जो बहुत ही टाइम से वसुंधरा राजे के सामने खड़े थे वो तो बिल्कुल अड़ गए थे। राजनाथ सिंह भी ये बोल रहे थे, ठीक है, राजनाथ सिंह की भी, क्योंकि यहां पे हार हुई थी, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो जीत जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हार गई थी तो प्रॉब्लम हुई। लेकिन वसुंधरा राजे ने बोला कि ये मेरी हार नहीं है, ये संगठन की हार है, अगर संगठन वहां पे फेल हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं, ठीक है। इस्तीफा कुछ वक्त के लिए टल गया, लेकिन दोस्तों इस्तीफे का दबाव बहुत ज्यादा था वसुंधरा राजे पे, तो वसुंधरा राजे का मूड खराब हुआ। 2009 में मनमोहन सिंह ने लाल किले से भाषण दिया और वसुंधरा राजे अपने 57 MPs के साथ पहुंच गई थी, MLAs के साथ वो पहुंच गई थी उनके भाषण में, ठीक है, इन्वाइट किया गया था। ये इसलिए दिखाने के लिए था, ये मतलब ये सारी चीजें इसलिए थी कि अगर आपने कुछ ज्यादा किया, इनडायरेक्टली ये बीजेपी को मैसेज था, तो ये सारे के सारे नेता जो है वो पार्टी छोड़ देंगे, और अगर आप, अगर इन सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ी तो 78 सीटों का आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा, 57 MLAs बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बीजेपी थोड़ा सा घबराई, लेकिन अल्टीमेटली 2010 में वसुंधरा राजे ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा बीजेपी को ये तो समझ में आ गया कि वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पकड़ तो है उनकी राजस्थान में। फिर सारे गिले शिकवे को बुला के राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से मीटिंग की, दोनों साथ में आए और उसके बाद दोनों में जो भी तकरारें थी और जो भी विवाद थे वो सबको खत्म किया गया और उसके बाद दोबारा वसुंधरा राजे ने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। और 2013 में हम फिर से देखते हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार बनी, राजस्थान में इलेक्शन हुए, फिर से वसुंधरा राजे आई और 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान लड़ी। हालांकि दोस्तों 2013 में जब सरकार बनी थी तो ये बोला जा रहा था कि मोदी लहर रही है, 2014 में भले ही मोदी जी जो है वो लोकसभा के चुनाव जीते लेकिन नाम उनका बहुत पहले से चल रहा था। तो 2013 में जब इलेक्शन हुए तो ऐसा बोला गया कि ये मोदी जी की लहर है, लेकिन वसुंधरा राजे इसको बार बार नकारती रही कि मेरा भी काम बहुत ज्यादा है, सिर्फ मोदी जी की ही वजह से, हाँ वो एक फैक्टर है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं की ही वजह से हम चुनाव जीते हैं। तो 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे रही, फिर 2018 में इलेक्शन हुए, फिर वसुंधरा राजे हारी, बीजेपी हार गई और उसके बाद अगेन अशोक गहलोत इस समय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान। तो ये चलता रहता है, एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत, अब 2023 में हम देखेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनता है। अभी तो अशोक गहलोत काफी ज्यादा चर्चा में है, आपको बताइए कि राजस्थान में काफी बच्चों की मौतें हो गई हैं तो काफी ज्यादा वो चर्चा में और उनकी सरकार भी कटघरे में इस समय खड़ी हुई है। तो ये चीज है, ये लेक्चर था दोस्तों वसुंधरा राजे पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।